भगवान ने गिरिराज की पूजा करवाई, घमासान बारिश हुई लेकिन वृंदावन में बूंद तक नहीं गिरी। महाराज इंद्र का घमंड दूर हुआ, इंद्र कन्हैया के पैरों पर गिर पड़ा और जवाब दिया, श्याम हमें माफ कर दो। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है कि भगवान कन्हैया ने मामा कंस का उद्धार कैसे किया। महाराज मथुरा में कंस विराजमान है, देवर्षि नारद पहुंचे तो नारद ने एक बात कही, लला कंस एक बात बताओ, पहले कभी आते थे तो चेहरा बहुत अच्छा लगता था, खिलता था, लेकिन आज बात क्या है, जो चेहरा मुरझाया हुआ है। कि हे भोजराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के खिलने पर क्यों कली सिकुड़ती जाती है। अरे शंका है तो एक दुश्मन की, तो धावा करो हराए डारो, और भीतर ते कछु रोग लगो डॉक्टर से दवा कराए डारो। तो कंस ने कहा कही, महाराज 56 प्रकार के भोजन रखे जाए और ऊपर अगर तलवार लटक रही हो कच्चे धागा पर तो भोजन को नहीं पसंद आएगा। अरे मैंने अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, त्रिणासुर भेजा, लेकिन किसी ने लौट के ये नहीं बताया कि कन्हैया गोरो है, ककरिया है, कमोटो है, कपत्रो है, कपीरो है, कलाल है। बड़े टेंशन में महाराज नारद के कहने पर भोजराज कंस ने एक पत्र लिखा कि यादवों के सरताज बाबा नंद, आगे समाचार ये है कि मैंने अपनी मथुरा नगरिया में अनुष्ठान किया है धनुष का, आशा करते हैं कि आप कृष्ण और बलराम को लेकर के हमारे मथुरा में अवश्य आएंगे, अगर ऐसा नहीं किया तो महाराज सभी यादवों को पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये पत्र जब भेजा है तो भैया जब ये पाती माँ यशोदा ने पढ़ी तो होश उड़ गए, ध्यान रखना हुआ क्या। कखोली पड़ी मैया ने जब पाती, अरे कंस और जकी लगी रे धरन ते साथी, मेरी कंस बनो अन्यायी अन्यायी अन्यायी, अरे तो इनीक लाज नहीं आई। याद बिछुड़ी मैया की आती है दुख पाने करो, याद बिछुड़ी बंदी तो याद प्यारे भैया की आती है सम।